ये देखो दोस्तों सामने गयाजी डैम, और ये देखो गयाजी डैम के निकट, इसके बारे में क्या ही बोले, आप लोग खुद एक्सप्लेन कर लो। ये है फल्गु नदी, और अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ये है रबर डैम। ये आप देख सकते हो यहाँ पे बोर्ड, गयाजी डैम जल संसाधन विभाग बिहार, और ये यहाँ पर का मार्केट आप देख सकते हो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। सो बहुत दिनों से ना दोस्तों एक चीज़ मैं सोच रहा था, एक्चुअली हमारे वीडियो पे ना बहुत सारा कमेंट आ रहा है, और कमेंट में ये आ रहा था कि रबर डैम बन जाने से फल्गु माँ जो है वो श्राप से मुक्त हो गई, ऐसा करके बहुत सारा कमेंट हमें देखने को मिला है। और बहुत लोग बोल रहे हैं कि फल्गु जो है वो श्राप मुक्त हो गई, श्राप मुक्त हो गई। तो भाई ये कैसे पॉसिबल है आप ये बताओ, भगवान का दिया हुआ श्राप था, इतना आसान नहीं है कि श्राप मुक्त हो जाए। और कैसे लोग ये आप लोग कह रहे हो कि श्राप मुक्त हो गए, कुछ दूर पानी जमना, राइट सौरभ जी? फल्गु में देखा जाए तो कुछ दूर पानी जमा है, आपने वीडियो में भी देखा होगा, और मैं इस वीडियो में आपको इंक्लूड करूंगा उसको, कि रबर डैम के उस तरफ से करीब कितना, एक किलोमीटर तक में पानी जमा हुआ है। बाकी आप देख सकते हो ये फल्गु का हाल क्या, ये यहाँ देखो आप, इसे आप श्राप मुक्त बोलोगे तो भाई क्या कह सकते हैं। आज भी फल्गु अंतसलीला कहा जाता है, और आज भी वही है, और ये भाई इंसान के पास में है ही नहीं कि फल्गु को श्राप मुक्त कर दिया जाए। हाँ, रबर डैम हमारे लिए अच्छा है, अच्छा इसलिए है क्योंकि देश विदेश से पिंडदानी यहाँ आते हैं पिंडदान करने। गया जो है मोक्ष दायिनी कहा भी जाता है, तो वो जो लोग आते थे उनको फल्गु में तर्पण करने के लिए पानी नहीं मिलता था, तो रबर डैम बन जाने से ये एक बेनिफिट हुआ है कि उनको तर्पण करने के लिए अब जल जो है वो सालों भर वहाँ पर मिलेगा, 2 से 3 फीट। लेकिन माँ फल्गु को जो श्राप मिला है भाई, अभी भी वो कायम है और जीवन भर रहने वाला है भाई, ऐसा कोई आप कह सकते हो साइंस नहीं है जो इनको श्राप मुक्त कर दे, क्योंकि फल्गु सिर्फ देवघाट और विष्णुपद के पास में ही नहीं है ना, फल्गु ये पूरा नदी है, आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है कि पानी नहीं है, सॉरी पानी अवेलेबल हो। तो ठीक है, एक छोटा सा क्लिप मुझे लगा कि बनाना चाहिए था, तो ये आप देख सकते हो पीछे लोग वहाँ पे आके खेल कूद कर रहे हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं। अभी ग्रुप बी का एग्जाम हुआ है तो उसके लिए भी लोग जो है यहाँ पे रनिंग करते हैं। और अभी सौरभ, एक्चुअली ना ये बात हमको सौरभ जी अभी दिमाग में डाली, अभी हम यहाँ से गुजर रहे थे मानपुर पुल से, तो बोल रहे थे भाई कि रबर डैम बन जाने से भाई तो फल्गु नदी जो है वो श्राप मुक्त हो गई, बट ऐसा नहीं है दोस्तों, आज भी फल्गु का हाल वही है, आप देख सकते हो अंतसलीला कहा जाता है, नीचे बालू के नीचे से पानी बहती है यहाँ, और आज भी अगर गड्ढा किया जाए इसमें तो पानी आपको निकल ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलता है एक बार नए वीडियो में, जय हिंद जय भारत। ये है फल्गु नदी, और अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ये है रबर डैम। ये आप देख सकते हो यहाँ पे बोर्ड, गयाजी डैम जल संसाधन विभाग बिहार, और ये यहाँ पर का मार्केट, ये आप देख सकते हो लोगों का यहाँ पे हुजूम लगा है घूमने के लिए रबर डैम को। लेकिन सवाल अभी भी वही है जो सौरभ जी का सवाल था, कि क्या फल्गु श्राप मुक्त हुई, अब इसका जवाब आप लोग खुद ढूंढो। ये देखो ये डैम है, डैम के बीच लगा हुआ बुलेट प्रूफ रबर, इधर तो आप पानी देख रहे हो करीब 10 फुट पानी होगा, और अच्छे तरीके से ये जमा है, कुछ दूरी तक है, उस पुल तक ही है, पुल के बाद जो है पानी अब सूख गया। अब इस डैम के दूसरी तरफ हम आते हैं, ये देखो भाई ये रहा डैम के दूसरी तरफ का साइट। अब आप लोग बताओ, आप लोग से ही हमारा सवाल है, क्या सच में फल्गु श्राप मुक्त हुई? क्योंकि एक तरफ मैंने दिखाया आपको पानी से बिल्कुल भरा था, और ये दूसरी तरफ देखो सुखाड़ पड़ा है चारों तरफ, तो भाई कैसे आप कह सकते हो कि सीता माँ का श्राप खाली गया?